एनसीईआरटी से 360 आ सकते हैं क्या? बेटा बात ये नहीं है कि 360 आ सकते हैं कि नहीं, आपके मान लो 350 आ रहे हैं और आपके सिलेक्शन ही ना हो 385 नंबर हो, साहब सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये तो गलत ही सवाल हो गया ना, क्या एनसीईआरटी से 300 मान लो मैं कहता हूँ नहीं आ सकता तो कितनी बुक पढ़ सकता है? 500 है टाइम इतना, ये तो बता, सोच तो सही बेटा, आप लोग सोचते नहीं कितनी बुक्स पढ़ सकते हो, 5000 बुक पढ़ लोगे इतना समय है, छोड़ो कितने चैप्टर है तुम्हारे पास, पता नहीं तुमको ना आ सकते जुड़े 11-12 मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 100 चैप्टर है, कितने दिन है अगले ये वाला नीट निकाल के अगले वाले नीट पे चले जाते हैं, मान लेते हैं चलो यहाँ से साल भर है, साल भर से ज्यादा मान लेते हैं, चलो हम लिख लेते हैं 400 दिन है, एक दिन में मतलब 400 दिन और 100 चैप्टर है, क्या 4 दिन में क्वेश्चन के साथ एक एक चैप्टर खत्म हो रहा तुम्हारा, तुमने उसके 500 क्वेश्चन लगा लिए पूरा चैप्टर खत्म हो गया एक दिन में, कैसी बात कर रहे हो, पढ़ाई करोगे तभी तो होगा, समझो ध्यान से, आपको आपको बातें समझ नहीं है बेटा, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा सोर्सेस के चक्कर में कुछ नहीं होता है, हमने देखा है ऐसा। हाँ आप सिंपल सी चीजें आप कॉम्प्लिकेटेड करते हो, ठीक है कॉम्प्लिकेट मत करो, चलो आगे कर रहे हैं बेटा, यहां तक आपको आना चाहिए, जिसको नहीं आया बोलो जल्दी से कराते हैं। क्या मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने बच्चे 3 से 4 दिन में एक चैप्टर सारे क्वेश्चन के साथ पूरा अच्छे से याद कर रहे हैं, कर रहा है कोई? फिर कैसी बात कर रहे हो बेटा, आपको मेहनत की जरूरत है ना, सबको गाइड कर रहा हूं, बोल तो रहा हूं 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ो और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा 11th करना स्टार्ट करो, बस यही तो गाइडेंस है, आप 12th भी दूर नहीं कर रहे हो अच्छे से कैसे होगा? हाँ यही मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, आपको पीछे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, ऐसा नहीं कि आप मैं से ये पूछोगे क्या सर मैं एम्स दिल्ली जा सकता हूँ, भाई चला जा, मैं मना कर रहा हूँ क्या जा वहां से, ऐसे थोड़ी होता है, पढ़ाई इसे नहीं कहते बेटा, पढ़ाई टारगेट ऐसी नहीं होती मेरे को एम्स दिल्ली पहुंचना, आप मेहनत कितनी कर रहे हो, रास्ता देखो ना उसका कैसे जा रहा है, मेहनत आप कितनी बुक्स ज्यादा पढ़ना चाहते हो कि उसी को परफेक्शन लाना है, जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसको बार बार समझो उसमें परफेक्शन लाओ, ठीक है?